फुटबॉल में पाकिस्तान अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। ऐसे में वो लगातार अटैक पे काउंटर अटैक करे जा रहा था, टीटवाल को हथियाने की साजिश रच रहा था। अक्टूबर का महीना, पाकिस्तान ने एक बार फिर एक बहुत बड़ा ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन पाकिस्तान को यह नहीं पता था कि अपना सीना तान कर वहां खड़े हैं एक परमवीर लांस नायक करम सिंह। कंपनी हवलदार मेजर पीरो सिंह की वीरता ने टिटवाल से दुश्मनों को पीछे हटा दिया था, लेकिन दो महीने बाद ही पाकिस्तान ने एक बार फिर यहां हमला कर दिया। 13 अक्टूबर 1948, रीचमार गली, टिटवाल। पाकिस्तान की चाल थी कि वो टीटवाल में दक्षिण की ओर रीचमार गली से घुसेगा। उस वक्त रीचमार गली में एक सिख रेजिमेंट के जवान थे। बड़ी तादाद में दुश्मन के सिपाहियों ने वहां अचानक हमला बोल दिया। दुश्मन की ओर से जबरदस्त गोलीबारी हो रही थी। मोर्चे पर मौजूद भारतीय बंकर तबाह हो गए। भारतीय सैनिकों के लिए हालात बहुत खराब हो चुके थे। लांस नायक करम सिंह तब रीचमार गली में एक फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात थे। आगे संदेशा पहुंचाने का भी कोई साधन नहीं बचा था। करम सिंह खुद घायल थे, लेकिन वो गोलियों की परवाह न करते हुए अलग अलग बंकरों में गए, अपने साथ दो और घायल सिपाहियों को लेकर वापस लौटे और मोर्चे पर डटे रहे। उस दिन पोस्ट पर शत्रुओं ने 8 बार हमला किया, लेकिन करम सिंह ने उन्हें वापस खदेड़ दिया। जब उनके मोर्चे के ठीक सामने दुश्मन आकर बैठ गया, तो करम सिंह ने शेर की तरह उन पर आक्रमण कर दिया। दो सैनिकों को उन्होंने अपनी संगीन के हमले से मार डाला। करम सिंह की इस हिम्मत ने दुश्मनों का हौसला पस्त कर दिया। टीटवाल पर दोबारा कब्जे का दुश्मन का सपना सपना ही रह गया। टीटवाल की जंग में इस साहस के लिए लांस नायक करम सिंह को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।